यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जम्मू कश्मीर में गठबंधन सरकार में शामिल बीजेपी और पीडीपी के बीच राज्य में सीजफायर मामले को लेकर अब नया विवाद सामने आया है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा रमजान के बाद सीजफायर खत्म करने के फैसले को लेकर पीडीपी नाराज है। इसे देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विवाद खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर के सभी मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं की आज दिल्ली में बैठक बुलाई है। पीटीआई ने राज्य के एक सीनियर बीजेपी नेता के हवाले से बताया कि सभी बीजेपी मंत्रियों को बैठक के लिए दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और पार्टी महासचिव अशोक कौल को भी बुलाया गया। जम्मू कश्मीर में एक तरफा सीजफायर पर रविवार को केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि अब घाटी में सीजफायर नहीं होगा। तो हमारे साथ कमलकांत गौरी जी जो कि सलाहकार संपादक हैं खबरें अभी तक के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जिस प्रकार से अमित शाह ने दिल्ली में ये बैठक बुलाई है, क्या कुछ सामने आता है इन सब चीजों से? देखिए, ये बैठक जो बुलाई गई है उसमें जम्मू कश्मीर की रणनीति पर चर्चा होनी है जी। अमित शाह ने लोकसभा 2019 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसके लिए अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं, वो अलग अलग राज्यों के नेताओं से मिल रहे हैं और उसी संदर्भ में जम्मू कश्मीर में भी मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं जी। 6 सीटों में अभी जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ बीजेपी का अलायंस है, तो इस अलायंस को लेकर मुद्दा ये रहने वाला है इस मीटिंग में कि क्या ये अलायंस लोकसभा में जारी रखा जाए या अलग लड़ा जाए। क्योंकि पिछली बार जब ये चुनाव हुआ था, विधानसभा का चुनाव खासतौर से, उस विधानसभा के चुनाव के अंदर बीजेपी अलग लड़ी थी, पीडीपी अलग लड़ी थी, और जो जम्मू का इलाका है, जो हिंदू बहुल इलाका है जम्मू कश्मीर में, वहां बीजेपी ने लगभग सफाया कर दिया था सभी पार्टियों का, और जो घाटी का इलाका है, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पीडीपी आगे थी। और बाद में कोई सरकार जब ना बनने की स्थिति आई, ऐसी स्थिति बन गई कि कोई सरकार नहीं बन सकती है, तो ये दूर विरोधी विचारधारा वाली पार्टियां जो थी, बीजेपी और पीडीपी, उन्होंने आपस में अलायंस करके एक सरकार बना ली वहां पे। अब सवाल यह है कि इतने सालों की सरकार के बाद क्या बीजेपी लोकसभा के अंदर पीडीपी के साथ चलेगी या अलग चलेगी, उसी के बारे में अमित शाह वहां के जो नेता हैं उनकी राय इकट्ठी कर रहे हैं जी। और पिछले कुछ समय में जो सीज फायर का मसला सामने आया है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो पीडीपी है वो केंद्र सरकार से नाराज चल रही है, और इसे किस प्रकार से देखा जा सकता है? देखिए, पीडीपी ये तो केंद्र के मुद्दे हो, ज्यादा इसमें केंद्र का दखल रहता है। जो सीज फायर हुआ वो सीज फायर इतना इफेक्टिव नहीं था, 80 घटनाएं हुई वहां आतंकवाद की, लगभग 60 घटनाएं हुई वहां आतंकवाद की, माफ कीजिएगा, और जब सीज फायर 1 महीने के अंदर, क्योंकि जब सुरक्षा बल जो है वो वहां पर एक तरफा सीज फायर था, उन्होंने कार्रवाई बंद कर दी, तो आतंकवादियों ने अपनी कार्रवाई बंद नहीं की, चाहे वो ईद का रमजान का मुकद्दस महीना था, उसमें भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ना पाकिस्तान ने अपनी जिद छोड़ी वहां पर हिंसा फैलाने में, और ना ही जो आतंकवादी हैं और जो अतिवादी हैं उन्होंने अपनी हिंसा छोड़ी, वो एक तरफा कार्रवाई की गई थी। तो अब वो हिस्सा चला गया, अब सरकार ने घोषणा भी कर दी है कि हम आगे जो है सीज फायर नहीं करेंगे, एक तरफा सीज फायर, और पूरी कार्रवाई की जाएगी। वो एक मैसेज देने का प्रयास था जो कि ज्यादा सफल नहीं हुआ, लेकिन ऐसे प्रयास होते रहने चाहिए। मोटे तौर पर मुझे लगता है इस मीटिंग का जो एजेंडा है वो आगे चुनाव कैसे लड़े जाए वो ही है, और उसी लोगों की राय सुन के और अपनी एक ओपिनियन बनाएंगे कि पीडीपी के साथ अपना अलायंस क्या जारी रखा जाए, क्या पीडीपी के साथ मिलके चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि जम्मू के इलाके में भी हिंदू बहुल जरूर है लेकिन 30% आबादी वहां पर भी मुसलमानों की है। तो एक मुस्लिम्स को मैसेज देने के लिए पीडीपी के जरिए वहां पर ये प्रयास किया जा सकता है कि एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए हिंदू मुस्लिम का जम्मू के इलाके में, और कश्मीर घाटी का इलाका तो पूर्णतः लगभग मुस्लिम है, जितने भी हिंदू वहां थे वो लगभग वहां से भगा दिए गए हिंसा के द्वारा। तो ये बीजेपी के लिए एक मुद्दा है, बीजेपी अगर बीजेपी नहीं करती है तो कांग्रेस और वहाँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो मिलकर चुनाव लड़ने की उनकी उम्मीद है, क्योंकि जैसे महागठबंधन बनाया जा रहा है तो वो कहीं स्ट्रॉन्ग ना हो जाए
और ऐसे में क्या पीडीपी और बीजेपी को साथ साथ चुनाव लड़ना चाहिए लोकसभा का, ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा इस मीटिंग के अंदर। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ राजीव रंजन रॉय जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन रॉय जी स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। तो जिस प्रकार से दिल्ली में ये बैठक बुलाई गई है, यहाँ पर पीडीपी और जो बीजेपी की बैठक होगी, क्या कुछ लगता है, क्या कुछ अनुमान लगाया जा सकता है जम्मू कश्मीर की राजनीति को देखते हुए? देखिए जम्मू कश्मीर में जो आज स्थिति है, जैसे उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी पीडीपी की सरकार बनने के साथ वहां कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा और पीस की दिशा में कोई कारगर रिजल्ट्स सामने आएंगे, जो कि नहीं हो पा रहा है। स्थिति ऐसी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की जब से वहां सरकार बनी है, स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सरकार के तरफ से काफी प्रयास किए जा रहे हैं और जब से आर्मी ने यह कहा है कि कश्मीर का जो सॉल्यूशन है वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही बनता है और पॉलिटिकल निगोशिएशंस एंड डायलॉग के थ्रू ही कश्मीर का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, आर्मी के पास इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर हम उस बात को ध्यान में रख करके इस मीटिंग को एनालाइज करें तो मुझे लगता है क्या कि यह भी कहीं ना कहीं एजेंडा में होगा। पॉलिटिकल गवर्नेंस के जो के अलावा कश्मीर में जो मेजर प्रॉब्लम है वो है लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना और लोगों का कॉन्फिडेंस जीतना और वहां शांति की बहाली करना, जिसमें कि अनफॉर्चुनेटली भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की जो सरकार बनी है उसमें यह सफल नहीं हो पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बातचीत इलेक्शन के अलावा इस पर भी वो बातचीत करेंगे और मुझे लगता है कि पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी को इस दिशा में और ही कुछ अर्थपूर्ण तरीके से काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस राष्ट्र को था कि दोनों पार्टी के साथ आने से वहां कुछ इंप्रूवमेंट होगा, उसमें कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। जी, और जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से अभी कुछ आतंकवादी गतिविधियां भी हुई थी, बावजूद उसके ये भी कहा जा रहा है कि पीडीपी कहीं ना कहीं नाराज भी चल रही है, जो बीजेपी के मंत्री हैं जम्मू कश्मीर में, कहीं ना कहीं ये बैठक इसके लिए भी अहम मानी जा सकती है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की जो अलायंस है ये दो डिफरेंट जिन्हें आइडियोलॉजी की पॉलिटिकल पार्टीज है, इसको हम पॉलिटिक्स में हम कह सकते हैं कि ये जो अलायंस है ये कन्वीनियंस का है, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कश्मीर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन ढूंढना चाहती है, पीडीपी की सोच इंटायरली डिफरेंट है। पीडीपी वहां के मुसलमानों को नाराज नहीं करना चाहती है, पीडीपी अपने आप को इस रूप में प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती है कि जो कश्मीर में जो दो झंडा का जो सिस्टम है, कश्मीर में जो दो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बट हम यह भी चाहते हैं कि भारत सरकार के साथ मिल करके वहां अमन चैन स्थापित हो और लोग खुशी पूर्वक रहें। ये भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेटेड पॉलिसी है उसके अगेंस्ट में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शुरू से नारा रहा है एक राष्ट्र एक झंडा, एक राष्ट्र एक कॉन्स्टिट्यूशन। जी राजीव रंजन रॉय जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।